डियर स्टूडेंट, पाइनस की स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन में ये दिस इज द थर्ड वीडियो है, और फर्स्ट और सेकंड में हमने मॉर्फोलॉजी और उसकी कुछ एनाटॉमिकल स्टडीज़ के बारे में बात की थी, और उसी में से हमारे जो सेकंड वीडियो था उसमें उसकी हम लीफ की एनाटॉमी की बात कर रहे थे। उसकी लीफ की एनाटॉमी का एक जो टी एस वहाँ पर छूट गया था, और उसमें अगर हम देखें, अगर उसके स्ट्रक्चर एक ट्राइफोलियन की देखें तो उसके एक तो उसकी जो सैप है वो बिल्कुल ट्राइंगुलर होगी अगर ये ट्राइफोलियन है। तो इसके बाद में यहाँ पर तीनों जो कोने हैं वहाँ पर आपको एक रेजिन कैनालिस में नज़र आती है, और बाहर इसमें ये सकन स्टोमेटास पाए जाते हैं। देन उसके बाद में ये ऊपर बाहर की तरफ इसमें एक सिंगल है, पहले क्यूटीन है, ये क्यूटिकल है, देन एपिडर्मिस है, उसके बाद में ये स्क्लेरोटिक रीजन्स है, और यहाँ पर ये मीजोफिल रीजन्स है जहाँ पर इसमें अबंडेंटली क्लोरोप्लास्ट वगैरह इसमें पाए जाते हैं। देन उसके बाद में ये यहाँ पर वैस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं और बंडल शीथ के चारों तरफ, और इसमें अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो ये एक पेरेन्काइमेटस पेरासाइकल होती है, एंडोडर्मिस सिंगल लेयर्ड होती है, मल्टी लेयर्ड इसमें पेरासाइकल होगी, और इस जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज के ऊपर इसमें एक स्क्लेरोटिक पेरासाइकल और पाई जाती है। तो पेरासाइकल दो प्रकार की होगी इसमें, एक तो पेरेन्काइमेटस और एक स्क्लेरोटिक जो जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज के ऊपर पाई जाती है। देन उसके बाद में यहाँ पर फ्लोएम है, फ्लोएम के नीचे यहाँ पर जाइलम है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम है, और दोनों के बीच में एक मेडुलरी रेज है। ये जो कैम्बियम है वो इनएक्टिव रहती है, ये इसका ज़्यादा इसमें काम नहीं है। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट मॉर्फोलॉजी ऑफ स्टेम। स्टेम की इसमें ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ आर लॉन्ग एंड शूट, और इसमें जो ब्रांचेस वो टिपिकली स्पाइरली अरेंज्ड रहती है। इसमें स्केली लीव्स में वियर स्केली लीव्स एंड ड्वार्फ शूट इन एक्सेल ऑफ स्केली लीव्स, ब्रांचेस लिमिटेड ग्रोथ और ड्वार्फ शूट लैक एपिकल बडिंग होती है ड्वार्फ शूट में, और इसके अलावा 8 से 10 स्पायरली अरेंज्ड स्केली लीव्स होती है जो इसको प्रोडक्शन प्रदान करती है। और अगर इसके लॉन्ग शूट की हम बात करें तो इसका जो स्टेम है बहुत ही इरेक्ट होता है, आर्बोरिसेंट होता है, कोई वृक्ष लाइक जो हैबिट है वो उसमें पाई जाती है, बहुत बूढ़ी होता है, ब्राउन्ड होता है, वो टॉल होता है, सिलिंड्रिकल होता है, और ब्रांचेस मोनोपोडियुलर एक्सक्रेट प्रकार की होती है, लोअर ब्रांचेस लॉन्गर एंड हॉरिजॉन्टल गिव द कॉनिकल शेप टू द प्लांट्स, जो नीचे की जो ब्रांचेज होती है वो उनकी लंबाई ज़्यादा होती है और ऊपर ऊपर जैसे जाती है वैसे वैसे कम होती जाती है, तो उससे पूरे पौधे को एक कोन लाइक शेप मिलती है। अगर हम इसकी एनाटॉमी की बात करें तो इसमें जो स्टेम है इट्स डाइकोटिलेडन स्टेम होता है, और बिल्कुल नॉर्मल डाइकोटिलेडन जो स्टेम है, द्विबीजपत्री जो तने हैं उसमें जो स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, जो उसकी टिपिकल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर इसमें पाइनस में भी पाई जाती है, नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ होती है, और इसके अलावा इसकी जो इनर कॉर्टेक्स थिन वॉल्ड पेरेन्काइमेटस कंटेनिंग पेरेन्काइमेटस सेल्स होती है, उसमें कहीं कहीं क्लोरोप्लास्ट और रेजिन कैनाल्स में पाई जाती है। वैस्कुलर बंडल, दैट इज इम्पोर्टेंट, वैस्कुलर बंडल कंजॉइंट कोलेट्रल एंड डार्क ओपन एंड फॉर्म अ रिंग, दैट्स इम्पोर्टेंट, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, ये हमें याद रखना है। मेडुलरी रेस यूनिसीरियट और बहुत ही नैरो होती है, जो इसको एक टफ प्रकार की जो क्या कहते हैं वुड वो प्रदान करता है, मतलब दो तरह की, एक तो जिम्नोस्पर्म में जो वुड पाई जाती है दो प्रकार की पाई जाती है, एक तो सॉफ्ट वुड एक हार्ड वुड।
सॉफ्टवुड दैट मीन्स अगर उसमें मेडुलरी रेज बाई सीरियट या मल्टी सीरियट होती है, मतलब कहने का मतलब है जाइलम टिश्यूज की मात्रा, सेकेंडरी जाइलम टिश्यूज की मात्रा जितनी कम होती है उतनी ही वुड सॉफ्ट होती है। तो इन केस ऑफ पाइनस इट इज पिक्नोजाइलिक, दैट मीन्स इसमें यूनिसीरियट मेडुलरी रेज इसमें पाई जाती है। ए जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जिम्नोस्पर्म्स वेसल्स में जाइलम, जाइलम में वेसल्स और फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स इसमें भी एब्सेंट होती है। और यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ में नॉर्मल कैम्बियम डेवलप होती है, कॉर्क रीजन में कॉर्क कैम्बियम डेवलप होगी, वैस्कुलर रीजन में वैस्कुलर कैम्बियम उसमें डेवलप होती है। और ईच ईयर दे आर फॉर्मिंग द स्प्रिंग एंड ऑटम वुड, जब स्प्रिंग वुड में देर इज अ फेवरेबल एनवायरमेंट सो द साइज ऑफ सेल्स आर लॉन्गर देन ऑटम वुड, तो उससे हमें एक रिंग मिलती है जिसे हम पौधे की आयु का भी निर्धारण कर सकते हैं, दैट इज नोन एज द डेंड्रोक्रोनोलॉजी। जैसे ही हम किसी तने का अगर हम जैसे उसका काट करके उसका अगर टीएस काटते हैं तो हम बहुत आसानी से पता चल जाता है कि ये पौधा कितने ईयर का होगा, ठीक है। एनुअल रिंग्स को हम काउंट करके उसकी एज का पता लगा सकते हैं। नाउ कमिंग द लाइफ साइकिल एंड रिप्रोडक्शन, पाइनस में हेटरोस्पोरस है, दो प्रकार के स्पोर्स इसमें प्रोड्यूस होते हैं, माइक्रोस्पोर्स एज वेल एज मेगास्पोर्स। माइक्रोस्पोर माइक्रोस्पोरेंजियम में डेवलप होते हैं, मेगास्पोर मेगास्पोरेंजियम में डेवलप होते हैं, माइक्रोस्पोर्स माइक्रोस्पोरेंजियम में डेवलप होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम माइक्रोस्पोरोफिल पर डेवलपमेंट होते हैं, और बहुत सारी माइक्रोस्पोरोफिल मिलकर के एक कोन लाइक स्ट्रक्चर बनाती है सेम मेगास्पोरेंजियम के। तो यहाँ पे माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स और दोनों के दोनों क्या है कोन लाइक स्ट्रक्चर जिसे मेल कोन और फीमेल कोन हम कहते हैं उसमें ये प्रोड्यूस करते हैं। तो आपको इसमें माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस इन माइक्रोस्पोरेंजिया बोर्न ऑन मेल कोन, ठीक है। मोनोशियस कंडीशन है, यूजुअली फीमेल कॉन्स ऑन टॉप बार्ड एंड फीमेल कॉन ऑन लोअर ब्रांचेज में ये डेवलप होते हैं। मोनोशियस मतलब मेल और फीमेल कॉन वो आर प्रोड्यूसिंग ऑन द सेम प्लांट्स। नाउ डिस्कसिंग अबाउट द मेल कॉन, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेल कॉन एंड हाउ इट इज लुक लाइक, अराइज अर्लियर देन फीमेल कॉन। पहला तो ये है कि जो मेल कोन है वो फीमेल कोन से पहले अराइज होता है मार्च टू अप्रैल इन हिली एरिया वाइल जनवरी इन प्लेन, अरेंज्ड इन क्लस्टर। बहुत सारे मेल कोन्स करीब 15 से 140 तक देखे गए हैं जस्ट बिहाइंड द एपिकल बड ऑफ लॉन्ग शूट, ईच कोन अराइज इन प्लेस ऑफ ड्वार्फ शूट, ड्वार्फ शूट की जगह मेल कोन डेवलप होते हैं और एक उसमें ग्रुप में ही अरेंज रहते हैं। ईच मेल कोन स्मॉल ओवॉइड विड और स्मॉल होते हैं, ओवॉइड होते हैं, विड तीन की 2 से 4 मिलीमीटर, लेंथ 5 से 6 मिलीमीटर, और इनका जो कलर है वो पेल ब्राउन होता है, और नंबर ऑफ जो माइक्रोस्पोरोफिल्स पर कोन वो 60 से 155 तक होते हैं। सम लोअर माइक्रोस्पोरोफिल्स आर स्ट्राइल होती है, वहाँ पर उसमें माइक्रोस्पोर्स नहीं बनते हैं। देखिएगा इसकी स्ट्रक्चर, ये दिस इज द रियल व्यू, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये इसके स्ट्रक्चर है जिसमें ये ड्वार्फ शूट है, ड्वार्फ शूट के टिपिकल है, यहाँ पे ड्वार्फ शूट आगे रुकता नहीं आगे बढ़ जाता है, और इसके जस्ट नीचे देखेंगे तो यहाँ पे नीचे स्केली लीव्स हैं। इसमें ये मेलकोन आप देख रहे हैं, इस मेलकोन में देन इसके बाद में इसकी माइक्रोस्पोर, इसमें देखिए बहुत सारी नीचे तो क्या है कि बहुत सारी स्केली लीव्स लगी हुई है, और ये माइक्रोस्पोरोफिल्स स्पाइरली अरेंज्ड होकर के मेलकोन का निर्माण करते हैं।
जो माइक्रोस्पोरफिल्स हैं ये इक्विवेलेंट टू स्टेमेंस होता है, अराइज राइट एंगल टू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ मेल कोन, और स्मॉल ब्राउन स्केल एंड ट्राइंगुलर इन शेप होता है, डिफरेंशिएटेड इनटू लोअर स्टराइल स्टॉक मिडिल फर्टाइल विथ टू माइक्रोस्पोरेंजिया एंड अपर स्टराइल टिप। देखिएगा इसमें स्टेमेंस की तरह इसमें तीन पार्ट होते हैं, स्टॉक नीचे है और इसमें यहाँ पर ये दो माइक्रोस्पोरेंजियम लगी है और अपर ये स्ट्राइल टिप पार्ट है, और इसका अगर हम टीएस काटेंगे तब हमें दो माइक्रोस्पोरेंजिया दिखेंगे और उसके अंदर हमें पॉलन्स हमें नज़र आते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट में हम इसकी जो डिटेल है नेक्स्ट उसके बारे में डिस्कस करेंगे।